वेलकम टू द क्रेजी ट्रिप। आज है स्कूबा डे, क्योंकि आज मैं करने जा रहा हूँ स्कूबा डाइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देख सकते हो रात है, अब है करीब 6:40 को एंड अभी हो रहा है 6:30 एंड गोवा में अभी भी फिलहाल रात हो रखी है। जो स्कूबा डाइविंग है वो मैं करने जा रहा हूँ मालवन बीच पे, तो यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है इन नॉर्दर्न गोवा। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। फिलहाल चलते हैं हमारे पिकअप पॉइंट पे। सो ये निकाल लिया मैंने अभी गोप्रो, हाँ मेरा पिकअप पॉइंट। जैसे अभी कॉल किया था वेंडर को, तो वेंडर ने बताया कि टेम्पो ट्रैवलर मुझे पिकअप करेगा। लेट्स सी कब आएगा। 6:40 तो हो चुका है, नाउ इट्स 6:44, 4 मिनट लेट। तो ये आ गया है टेम्पो ट्रैवलर ने, ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट आलू पराठा। बैग वैग तो करके दिए हैं पूरा, टिश्यू पेपर, अचार भी है, कर्ड भी है, परफेक्ट। आगे सोता हूँ क्योंकि यहाँ से करीब और 1.5 घंटे के आसपास लगने वाला है, बहुत ही लेंदी सफ़र है, तो डायरेक्ट मिलते हैं फिर बीच पर। Let your body move, go on and make your debut. Now we starting something, gonna know your name. Nothing that we can do, no more that we can't break through. Once it started pumping, pushing through your veins. तो हम लोग का करीब 20 लोगों का ग्रुप है, इन्हीं में से कोई शिप होगा जो हमको वहाँ लेके जाएगी। मानो बहुत ही क्लीन लग रहा है मुझे वाटर, तो अब भाई बोट हॉर्न दे रहे हैं भाई, हमको ट्रेनिंग देंगे। सिटी बजा रही है ये, एग्जैक्टली मालवन बीच नहीं है ये, मालवन बीच से 4 किलोमीटर अलग डायरेक्शन में है। तो ये रहा प्राइस, अब देखो, टेक ए स्क्रीनशॉट। 10 मिनट के लिए इधर सबको ध्यान देना है, पैकेज के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पैकेज में है स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड, सिटिंग बम्पर एंड स्पीड बोट। ये 6 एक्टिविटीज का आपका फुल कम्बो पैक है। उसमें आपको ज्यादा करके मैं स्कूबा डाइविंग के बारे में ही बोलने वाला हूँ। एस फॉर सेल्फ, सी फॉर कंटेंट, यू फॉर अंडर वाटर, बी फॉर ब्रीदिंग, ए फॉर अपराटस। सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग अपराटस, दैट्स कॉल्ड स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए स्विमिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के साथ में एक डाइव मास्टर रहेगा। वो आपको एक हाथ को हाथ पकड़ेगा, दूसरा हाथ है आपके ऊपर, मतलब सिलेंडर नॉब को पकड़ेगा और स्लोली पानी के नीचे मूव करेगा। आपको सिर्फ अपना बॉडी मूवमेंट स्ट्रेट रखना है और पानी के नीचे जो मरीन लाइफ है उसको एंजॉय करना, इसलिए ये आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। इमरजेंसी ऊपर आने के लिए ये साइन बटन है। मैं और भी डेप्थ में जाना चाहता हूँ, मोर देन डेप्थ, उल्टा थंब बटन है, ठीक है। मास्टर हर 15 से 20 सेकंड के बाद में आपको ऐसा बोलेगा कि आप कंफर्टेबल हो गया, तो यही साइन बटन है, ठीक है। 10 फीट या 15 फीट में पहुंच जाते हो, दूसरा मास्टर आपके सामने कैमरा लेके ही खड़ा रहता है। जैसे ब्रेड डालेगा सब मछली ब्रेड खाने के लिए आएगी, वीडियो उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तभी आप ये आपके आजू बाजू के लोकेशन फिश एक ही वीडियो में शूट करके देंगे। उसके बाद में एक बार मरीन लाइफ कवर करना है और बोट के ऊपर लाके छोड़ना। अभी चलो भाई, हमारे बोट रेडी है, वो रही बोट। चलो भाई आ जाओ, वहाँ पे मैंने अपना स्लीपर रख दिया, तो वी आर रेडी टू गो। सब बैठ गए, let your body move, go on and make your debut. Now we starting something, gonna know your name. Nothing that we can do, no more that we can't break through. Once it started pumping, pushing through your veins. पहुंच चुके हैं, जो पॉइंट था वो यही रहा, ये आइलैंड, एंड अभी वो सेटअप तैयार हो रहा है वहाँ पे, मछली स्टैंड वगैरह, और वो भैया जी कूद गए हैं, ये हमको ट्रेन करेंगे अभी अंदर। तो सावर टाइम, हम जाने वाले हैं। कितना किलो होगा ये? 4 kg दोनों मिला के, दोनों कपड़े ऐसे। मुँह खोल के रखो, आपको इजी रहेगा, मुँह से सांस लेना, मुँह से छूना। अच्छा भूटन करो निको, तू नंबर आ जाओ दादा, ये पकड़ना है।
कंफर्टेबल हो अरे आपको नीचे जाने का अप डाउन कंफर्टेबल उनको अपने दांतों से चबा कर पकड़ना है दांतों से हाँ लिप्स आगे रखना है ब्रीदिंग इन एंड आउट लॉन्ग ब्रीदिंग इसलिए पानी के नीचे छोड़नी है अजीब लग रहा है ऐसा क्यों इसलिए लॉन्ग ब्रीदिंग इसलिए पानी के नीचे इजी हो जाएगा रेगुलरली हम नाक से यूज करते हैं ना साथ देखो गर्दन झुकाओ in the heart.